हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है और मैं आज यहाँ पर आपके लिए सैमसंग के रिव्यूज़ लाया हूँ 2017 में। कि 2017 में आपको सैमसंग S6 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सैमसंग S6 है मेरे हाथ में, तो 2 ईयर्स हो गए इसको आए हुए, ठीक है, लॉन्च हुए हुए। और ये आई थिंक फेब में ही लॉन्च हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से जो है मेटल बॉडी है, ठीक है। और ऐसा डिज़ाइन अब तक सैमसंग के अलावा जो है इतना प्यारा लुक जो है मैंने किसी सेट में नहीं देखा। और 2017 में अगर हम पाकिस्तान में, जैसे कि मैं हूँ अभी, ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जितने भी सेट आए हैं जो इसकी रेंज में है, इसी बजट में है, तो सबसे अच्छा जो है मुझे S6 ही लगा है। डिज़ाइन पे बात कर रहे थे हम, तो इसका बैग आप देख सकते हैं कितना शाइनी और कितना स्मूथ बैग है इसका। और कैमरा देख सकते हैं, कैमरे का जो है बहुत ही कोई रिलायबल कैमरा है, ठीक है। और हार्ट रेट सेंसर है यहाँ पर, देन जो है वॉल्यूम अप डाउन की है इस तरफ, देन पावर बटन है, सिम स्लॉट है, और मेमोरी कार्ड जो है इसके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर टॉक करते हैं, बात करते हैं कि ये आपको कितने का पड़ रहा है। अगर आप इसके अलावा कोई और सेट लें तो वो सही रहेगा या ये सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, 42,000 का ये डब्बा पैक जो है आपको मिल जाएगा मार्केट से। और यूज़ में अगर आप लेंगे किसी से तो 35-30 थाउजेंड तक का आपको आराम से मिल जाएगा, 28 का ही मिल सकता है, कंडीशन पे बात होती है। देन इतने पैसों में सबसे अच्छा सेट फिलहाल मार्केट में जो है वो S6 ही है। और डिज़ाइन में हम इसको 10 out of 10 देते हैं। देन उसके अलावा बात करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में 3 GB इसमें रैम है, और इसमें जो है आप जितने भी ऐप्स खोल लें ये हैंगिंग प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 3 GB इसकी रैम है, ऑक्टा कोर इसका प्रोसेसर है, तो बहुत ही स्मूथ है चलने में, बहुत तेज़ है। और विद नेट भी अगर आप ओपन कर लें इसके अंदर तो नेट भी बहुत तेज़ चलता है इसके अंदर, ठीक है। देन सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक है, सेम डिस्प्ले है इसका जो सैमसंग जो है अपने फ्लैगशिप में रखते हैं। और बहुत ये ब्राइट भी हो जाता है, देन जो है ये डिम में भी और काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। और सनलाइट में भी इसकी जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी है। सैमसंग ने जो है S6 में जो है इन्होंने एक न्यू चीज़ निकाली थी, वो ये थी कि वैसे तो काफ़ी चीज़ें न्यू हैं, डिज़ाइन इसका न्यू था, पूरा S सीरीज़ को जो है अगर मैं S सीरीज़ का सबसे कामयाब सेट S6 को करार दूँ तो ये गलत नहीं होगा। S6 सबसे कामयाब सेट है इनका, और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है तेज़ काम करता है। आजकल के दौर के मोबाइल से 2017 में भी अगर आप इन इस बजट में किसी मोबाइल से उठा लें तो उससे अच्छा काम कर रहा होगा आई पैड या चैलेंज, क्योंकि उससे अच्छा इसका जो है फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। देन बाकी अगर फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा भी बाकी चीज़ें देखें तो काफ़ी अच्छी हैं इसमें, जैसे कि इसकी जो है मल्टीटास्किंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी नए तरीके से दी हुई है। और इसमें थीम्स आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं किसी कोई और थीम लगाना चाह रहा हूँ तो मैं थीम स्टोर में गया और मैंने जो है काफ़ी थीम डाउनलोड की हुई, यहाँ पर सब फ्री थीम है और कुछ पैसों वाली भी हैं। तो आपके ऊपर है कि आप परचेस करते हैं स्टोर से या इसमें जो है थीम ऐसी ही डाउनलोड करते हैं जैसे कि थीम अब अप्लाई हो रही है। तो अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें इन पैसों को तो 350-400 डॉलर में जो है आपको आराम से S6 मिल सकता है, ठीक है। और इतना प्यारा डिज़ाइन और इतना प्यारी इसकी परफॉर्मेंस है, तो उन पैसों में ये बड़ा प्यारा सेट है। और देखें जैसे कि थीम चेंज हो गई है, ठीक है, और आप चेक करते हैं सारे आइकॉन जो हैं वो भी ग्रीन हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा है ये जो है इनका थीम का जो है इन्होंने रखा है, S6 से ही रखा है, क्योंकि मैंने कहा आपको कि S5 S4 जो है इनके फेल हो चुके थे, और S5 तो कम्प्लीटली फेल था, तो इसके अलावा इन्होंने काफ़ी चेंजिंग करी है इसके अंदर। और इन्होंने जो है देख सकते हैं आप ऊपर का जो बार है, नोटिफिकेशन बार है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। काफ़ी कुछ जो है इसमें न्यू था। और हम इसकी अब कैमरे की बात करते हैं, तो कैमरा आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्पीकर रखा है, ठीक है। अब इसको जो है मैं अपने कैमरे में जो है
कैप्चर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैमरा इसका जो है 2016 का, तो इसका बेस्ट कैमरा था, और 2017 में देखते हैं कि ये कैमरा जो है कैसे शूट कर रहा है, और देख सकते हैं आप। वाव मतलब इतना प्यारा रिजल्ट, मतलब मेरे जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक मार्क भी है मेरे यहाँ पर जो है, डस्ट भी है, इसने डस्ट कितनी प्यारी कैप्चर करी है और कितना प्यारा इसने जो है फोकस किया है मेरे स्पीकर को। सो अभी भी 2017 में भी ये मिनी DSLR कहा जाए तो सही होगा इसको बिल्कुल कि ये मिनी DSLR है। और अगर हम इसकी बात करते हैं सेल्फी की, देखिए मैंने कुछ पिक्चर खींची यहाँ पर, ये हेडफोन्स की पिक्चर है मेरे, ठीक है, देन जो है ये मेरे बैक कवर की पिक्चर है जो इसका बैक कवर है, और ये जो है सेल्फी की पिक्चर है, ये मैंने सेल्फी ली थी एक, तो सेल्फी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा कैमरा है। और IU भी चेंज करता है, इंटरफेस भी, यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी चेंज करते हैं सैमसंग ने, तो मेरे तो रिव्यूज़ यही हैं कि बहुत ही कोई अच्छा फ़ोन है, आपको ले लेना चाहिए अगर आप 35 to 40 thousand में कोई सेट ढूँढ, 30 thousand में भी ढूंढ रहे हैं अगर, इनफैक्ट 26 to 28 thousand तक का ही मिल सकता है अगर आप इन पैसों में कोई सेट ढूंढ रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द भागे भागे जाएं और S6 ले लें, क्योंकि S6 इज़ द बेस्ट फ़ोन इतने प्राइस में, ठीक है। और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और कौन से मोबाइल की वीडियो बनाऊं, तो मैं इनकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये मेरी इंटरनेट पे मोबाइल्स के हवाले से जो है ये मेरी थर्ड वीडियो है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टीसी।